हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सेकंड फिजिक्स की सिलेबस की, जो कि जब से आपका ये कोरोना काल आया था, कोरोना काल से ही जो है 30% सिलेबस काट दिए गए थे। वो 30% सिलेबस काट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो काफी बच्चों का ये जानने की इच्छा होती है। काफी बच्चे ये समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सा कटा है कौन सा नहीं कटा, जो कटा रहता है उसको भी तैयार कर लेते हैं तो उनके लिए नुकसान नहीं है, परंतु एग्जाम के दृष्टि से या एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं सेकंड फिजिक्स से, आज हम वहीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में केवल चर्चा करेंगे सेकेंड फिजिक्स के सिलेबस की, फिर धीरे धीरे हम लोग सेकेंड फिजिक्स को भी समाप्त कर लेंगे। तो आज आपकी सेकंड फिजिक्स की सबसे पहली यूनिट होती है प्रकाश की, यानी आपको प्रकाश की में क्या क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, बताने से पहले प्रकाश की को बताने से पहले अगर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रकाश की है वो 13 नंबर का पूछता है, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर प्रकाश की होता है। 13 नंबर प्रकाश की से पूछता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर? 13 नंबर। यानी प्रकाश की यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 13 नंबर पक्के हो गए बोर्ड में। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रकाश की में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तब तक आप लोग फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस प्रकाश की में सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। यदि आज ही आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है तो मैंने कक्षा 10 की क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ा के रखा है, यदि आप देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके आप वहां से देख सकते हैं, या तो आपको लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जिन टॉपिक आपको कक्षा 10 में पढ़ाए गए हैं वो सारे टॉपिक आपको लिंक में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यस, प्रकाश का अपवर्तन आपका आपको पढ़ना है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, फिर उसके बाद इनका अनुप्रयोग है, प्रकाशिक तंतु है, फिर गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, उसके बाद लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, ध्यान से सुनिएगा, लेंस मेकर सूत्र हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न लेंस मेकर सूत्र, इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में मक्खन के जैसा समझेंगे। फिर उसके बाद आवर्धन, फिर लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का समायोजन या संयोजन, ये भी 99% क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, पतले लेंसों का संयोजन। फिर उसके बाद लेंस और दर्पण का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन ये आपका प्रैक्टिकल के रूप में भी आता है, एक प्रयोग है लेंस और दर्पण का संयोजन। फिर उसके बाद प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण ये पढ़ना है। फिर प्रकाशी केंद्र में मानव नेत्र पढ़ना है, प्रतिबिंब बनना पढ़ना है, समंजन क्षमता पढ़ना है, लेंसों द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन पढ़ना है, उसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सब दोष पढ़ने हैं, और इन सभी क्लास हमने हाई स्कूल में पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है नीचे, आप देख सकते हैं। आगे अब इसी चैप्टर में आपकी आती है सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक में आते हैं परावर्ती और अपवर्ती तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं। प्यारे बच्चों एक बात बता देते हैं, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक जो दो प्रकार के इसमें दिखा रहे हैं, परावर्ती एक अपवर्ती, इनकी जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक होता है वो आपको श्योर आना चाहिए, ये 100% है कि एक किसी दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता एग्जाम में जरूर पूछता है। प्यारे बच्चों आगे क्या कर रहे हैं, आगे तरंग पढ़ना है, फिर प्रकाश की तरंगाग्र पढ़ना है, फिर हाइगेंस के सिद्धांत पढ़ने हैं, फिर उनके उपयोगों द्वारा समतल तरंगों में समतल पृष्ठों पर परावर्तन और अपवर्तन, यानी हाइगेंस के तरंगों के आधार पे अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या जो नहीं होती वही ये टॉक कह रहा है आपसे।
फिर हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन, फिर उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना, फिर यंग का द्विझर्री का प्रयोग, फिर फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक, यंग के द्विझर्री का प्रयोग और फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक लगा लेना बच्चों। ये क्वेश्चन पे मार्क लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे मार्क लगा लीजिए भैया, यंग के द्विझर्री का प्रयोग तथा फ्रिंज के लिए चौड़ाई का व्यंजक। 100% नहीं, 101% की गारंटी के साथ कहता हूं, इस बार एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछने वाला है। लगा लेना यंग का द्विझर्री का प्रयोग और साथ में क्या, फ्रिंज के चौड़ाई के लिए व्यंजक। यदि आपके तैयार हैं तो आप बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, आपको 3 नंबर या 5 नंबर कोई नहीं ले जा सकता प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर 5 नंबर आपके हाथों में है, तैयार कर लीजिएगा। और तैयार तो हम करा देंगे, केवल आप साथ साथ चलते तो रहिए। आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, इसमें क्या और पढ़ना है, कला संबद्ध स्रोत पढ़ना है, प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण पढ़ना है, फिर एकल झर्री के कारण विवर्तन पढ़ना है, फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पढ़ना है। इस प्रकार आपको इतना सारी चीजों को पढ़ने के बाद प्रकाश की आपकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब हम उनको जान लेते हैं कि जो प्रकाश की आपको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो क्या क्या है। तो प्रकाश की में जिन चैप्टरों, जिन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला गोलीय दर्पण नहीं पढ़ना है, फिर दर्पण का सूत्र नहीं पढ़ना है, ये भी मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया है तो आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं पढ़ना है, फिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये सब आपको नहीं पढ़ना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताव दृष्टिगोचर बनना, करने का मतलब है कि आपका इसका कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, इन सब का जो कारण बताया जाता है ये सब नहीं पढ़ने आपको प्यारे बच्चे। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता ये भी नहीं पढ़ना है आपको। सोचिए इतनी टॉपिक आपकी प्रकाशिकी से हटा दी गई है, इन टॉपिकों का आपको अध्ययन नहीं करना है, परंतु अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ये भी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे प्यारे बच्चों, आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है ना, हमारा जो उद्देश्य है वो केवल इंटर तक के ही सीमित नहीं हो जानी चाहिए, जिससे आप लोग जो भी चीजें इंटर में पढ़े रहे आगे किसी भी कंपटीशन में बैठे तो कहीं ये ना कमी खले कि सर ने ये नहीं पढ़ाया था, आज मैं यहां जान रहा हूं। ठीक, उसके बाद इसी प्रकाशिकी में आपको कुछ चीजें और नहीं पढ़नी है, जैसे ध्रुवण नहीं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पढ़ना है, बूस्टर का नियम नहीं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। इतनी सारी चीजें आपके सेकंड फिजिक्स के प्रकाश की चैप्टर से हटा दिए गए हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की, सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट का नाम है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, सबसे छोटा चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है ये, आपको पूरे एग्जाम में 6 नंबर यहां से आते हैं, 6 नंबर देने वाला ये जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति पढ़ना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ने हैं, हर्ट्ज तथा लेनार्ड का प्रेक्षण पढ़ना है, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ना है, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति पढ़नी है, द्रव्य तरंगों कणों की तरंगात्मक प्रकृति पढ़ना है, साथ साथ में डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पढ़ना है। इतनी चीजें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। अब सेकेंड यूनिट में क्या नहीं पढ़ना है उस बात को ध्यान दीजिए। सेकेंड यूनिट में डेविसन और जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में डेविसन और जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है, फिर उसके बाद यही केवल वन एक ही चीज, डेविसन और जर्मर का प्रयोग नहीं पढ़ना है। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड यूनिट की, सेकेंड फिजिक्स के थर्ड यूनिट का नाम है परमाणु तथा नाभिक, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री से हम मैच करेंगे अब हम लोग। तो परमाणु तथा नाभिक में क्या क्या पढ़ना है, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़ना है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोर मॉडल पढ़ना है, ऊर्जा स्तर पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, नाभिकों की संरचना है, आकार, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध,
द्रव्यमान क्षति, नाभिकी विखंडन और नाभिकी संलयन, नाभिकी विघटन और नाभिकी संलयन, इन सारे टॉपिकों को क्लियर करना है प्यारे बच्चों। सोचिए जरा सा कितना सरल चैप्टर है और ये आपको पूरे पूरे 8 नंबर देके जाएंगे, पूरे 8 नंबर इस चैप्टर से पूछा और एकदम सरल है, एकदम सरल चैप्टर है। अब इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना वो आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है, अल्फा बीटा गामा किरण 6 नहीं पढ़ना है, फिर इनका उपयोग नहीं पढ़ना है, फिर रेडियोएक्टिव 6 के नियम नहीं पढ़ने हैं, बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, प्रतिनिक्लान तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सब सारी चीजें नहीं पढ़नी है प्यारे बच्चों। परंतु इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से, इस एग्जाम के दृष्टि से नहीं, आगे जो कंपटीशन एग्जाम कोई भी इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जो भी डिपार्टमेंट चुनोगे उन सबके लिए यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों, उन सभी की क्लास हम लोग लेंगे। ठीक, आगे अब आपको लास्ट सेकेंड फिजिक्स की लास्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा वहां आपको क्या पढ़ना है। लास्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब इसमें सबसे पहला पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा बैंड पढ़ना है, फिर चालक कुचालक तथा अर्धचालक के अभिलाषी या आईवी अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ना है, फिर उसके बाद डायोड दृष्टकारी के रूप में, फिर एलईडी अभिलाक्षणिक, फोटोडायोड और सौर सेल, ये सब पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर की अभिलाक्षणिक पढ़ना है, फिर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में पढ़ना है, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में पढ़ना है, फिर लॉजिक गेट पढ़ना, लॉजिक गेट में क्या क्या है, ओआर एंड और नंद और नॉर इतना पढ़ना, फिर ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में पढ़ना प्यारे बच्चों। इतनी सारी चीजें फोर्थ यूनिट में पढ़ना है और ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है, आराम से सब्र करते करते पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड फिजिक्स समाप्त होगी वैसे ही पिछले दो साल के पेपर हुए हैं जितने सेट हैं सारे सेट प्यारे बच्चों हम सॉल्व कराएंगे फिजिक्स का, तब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कितने तैयार हुए हैं लड़ने के लिए। अभी तक आपको कुछ भी जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं है, ना तो जरा सा फड़फड़ाना है, केवल नॉर्मली पूर्वक से चलते रहिए। कहने वाले आपको बहुत कुछ कहेंगे प्यारे बच्चों, कह रहे यहां तक आपने पढ़ा भी पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़े है स्ट्रांग पढ़िए, बस दौड़ दौड़ के खाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप जो खाइए एक जगह रख के खाइए, अच्छे तरीके से खाइए, जो कि चले कुछ दिन तक। ठीक, अब प्यारे बच्चों जो लास्ट यूनिट है उसमें क्या नहीं पढ़ना है आप उसको भी जान लीजिएगा, फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। उसमें आपको नहीं पढ़ना है जेनर डायोड, नहीं पढ़ना है वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, यही नहीं पढ़ना, केवल दो चीज, एक जेनर डायोड नहीं पढ़ना और एक वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, यही दो चीजें नहीं पढ़ना है यहां से। ठीक, तो इस प्रकार आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट फिजिक्स का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि फर्स्ट फिजिक्स में क्या है और क्या नहीं है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्यारे बच्चों, तो वो फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट वीडियो आया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में आज आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, कहां से एग्जाम में आने वाले प्यारे बच्चों, तो संयम बना के रखिएगा बस। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को देखकर आप स्वयं देखेंगे कि आपको फिजिक्स में क्या आया है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो, आज की जो क्लास है आपको जरूर समझ में आया होगा, जरूर पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और साथ में आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।